ऑनलाइन तस्वीरें फिर से देख रहे हैं आईबीएन 24 पर जिला सचिवालय के बाहर से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कर्मचारी संघ कि जितने भी यहाँ पर टीम मेंबर्स हैं वो सब यहाँ के यहाँ पहुँच चुके हैं और अब जितने भी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं उनको यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। सभी संगठनों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि किसानों को कतई तौर पर अकेले नहीं लड़ने देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि हम सभी किसानों के बेटे पुत्र हैं, बाप हैं और किसान इस देश का अन्नदाता है। यदि किसान खत्म हो गया तो ये पूरा देश खत्म हो जाएगा। मतलब किसान आंदोलन एक बड़ा अब रूप लेने वाला है। किसान आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका है और ये जो मोदी जी जो किसानों को कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी माओवादी बताते हैं और कभी लेफ्ट फ्रंट के लोगों को बताते हैं, आज के लिए किसानों को आज के लिए नहीं है। आज हम जब वो डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम उनके समर्थन में उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए। कौन कौन लोग आपके साथ? आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, CI2 हरियाणा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा, किसान सभा, ये सारे समर्थन देने के लिए हम उनके साथ आए। यहाँ पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर मैं आपको बता दूं कर्मचारी संघ हरियाणा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ जो हरियाणा का है और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर सभी के सभी ये जो लोग हैं यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए आए हुए हैं, समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाना था लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया, जिस वजह से वो आज जिला सचिवालय के बाहर बैठे हुए हैं और अब जो है और जो संगठन है अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन है उसके साथ साथ जो सर्व कर्मचारी संघ है हरियाणा का वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए यहाँ पर नजर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके आज के काले कानूनों के वापिस लेने के किसान किसानों के समर्थन में ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसान मजदूर एक कर्मचारी संघ है जो आज कहना चाहते हैं कि जो तीन कानून है उनको सरकार को वापिस लेना ही होगा, ये जो आंदोलन है ये रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और एक हर रोज एक नई तरह की रणनीति देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ यहाँ पर आए हुए हैं और मैं आपको बता दूं ये इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही तमाम जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और अब इन किसानों को यहाँ पर और समर्थन देने के लिए ये सारे के सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ट्रेड यूनियन है इन सभी के सभी किसान एकता जिंदाबाद सत्ता के गलियारों से इनकलाब का नारा गूंज उठेगा। इनकलाब जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और हरियाणा सरकार और देश की सरकार के ऊपर निशाना कसते हुए यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और चार संगठने हैं जो यहाँ पर अब पहुंची हैं इन किसानों को और समर्थन देने के लिए। करनाल में ये समर्थन, करनाल में ये आंदोलन अब बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कल जो किसान नेता जितने भी जो दिल्ली में बैठे हैं उनके द्वारा ये फैसला लिया गया था कि देश में जितने भी आज जिला सचिवालय हैं DC DM ऑफिस के बाहर आज धरना दिया जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से ही यहाँ पर किसान जिला सचिवालय के बाहर आकर बैठ चुके हैं और अब जो चार संगठने और हैं जो यहाँ पर आई हैं इन किसानों को समर्थन देने के लिए और अब वो यहाँ पर इनके साथ ही बैठेंगे और आज सारा दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ हरियाणा के करनाल, हरियाणा के करनाल की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि जिला सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर तमाम
जो किसान है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ चुके हैं। हालांकि जिला सचिवालय डीसी ऑफिस के बाहर इन किसानों ने अंदर जाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन भारी जो संख्या में जो पुलिस थी वो तैनात खड़ी हुई थी और इनको अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन अब आप देख सकते हैं वो यहीं पर आज बैठ चुके हैं और सारा दिन आज यहीं पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। किसान खेत मजदूर संगठन यहाँ पर आया है जिला करनाल से, जो कि यहाँ पर किसान पहले से ही जो बैठे हुए हैं उनको यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन हिंदुस्तान पूरे में है। हमें तीनों जो काले कानून है इनका विरोध करते हैं, ये बिल्कुल खत्म होने चाहिए। और चौथा है बिजली बिल, ये जो आम जनता के चारों बिल विरोधी है, जब तक इनको वापस नहीं ले जाता, खत्म नहीं किया जाते, तो आंदोलन इस प्रकार चलते रहेगा और हम आंदोलन का समर्थन करेंगे। यदि बीच में कोई घुसबैठिया आएगा उसको हम घुसबैठ नहीं करने देंगे। जी, तो इनका कहना है कि आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा और बीच में अगर कोई घुसपैठ आएगा तो उसको घुसपैठी नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान खेत मजदूर संगठन भी यहाँ पर आए हैं, लगभग चार संगठनें जो है, क्योंकि करनाल में आज किसानों ने धरना प्रदर्शन करना था और उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर चार संगठनें और आई हैं। और अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आज शाम तक ये धरना किस तरीके से यहाँ पर रहेगा और कितने लोगों का जमावड़ा यहाँ पर आज फिर से लगने वाला है। क्योंकि देखिए जिला सचिवालय के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर किसान आज धरना प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। और हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो धरना प्रदर्शन है ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अब तक चल रहा है। पिछले 5 महीनों से ये धरना बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि क्या सरकार अपनी जो इनकी मांगे हैं उनको पूरी करेगी, क्या सरकार झुकने को तैयार होगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बड़ी बात होगी। इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। ये तस्वीरें हैं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से, जहाँ पर किसान भारी मात्रा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा और इन तस्वीरों को साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ किसान लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है आज का जो धरना प्रदर्शन है जिला सचिवालय के बाहर किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, आज का धरना हमारा एक सांकेतिक धरना है, जो कि सरकार की आँख और कान खोलने के लिए, क्योंकि किसान लगभग 3-4 महीने से बैठे हैं और आप देख रहे हो पूरा मीडिया में देखे भाई दिल्ली में बॉर्डर में बैठे हैं, सर्दी में ठंड में इतनी सर्दी गिर रही है, कोई उद्योगपति या कोई कारपोरेट घराना सड़क पे बैठ के दिखा दो। और हम तो देखो संघर्ष करने वाले आदमी है, खेत में भी संघर्ष करते हैं, अपने किसानी में संघर्ष करते हैं, हमारे बड़ों ने संघर्ष किया है। देखो देश की सुरक्षा थी जो शुरू से आज तक है, मेरा नाम राजेंद्र संधू, गाँव गक्षिणा है। और देखिए पहले तो हमारे बुजुर्ग जो बाहरी ताकत थी उनसे लड़े, फिर अंग्रेजों से लड़े हैं, अब पाकिस्तान चाइना बॉर्डरों पे भी हम ही लड़ते हैं। और किसी उद्योगपति का या किसी कारपोरेट घराने का कोई लड़का है फौज में, कोई कहते भाई है? कोई नहीं है, लेकिन हमारे लड़के हैं वही भी हमें हैं। और जी मैं दो बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, शायद इस देश ने भी पता लाया कि सर इस मोदी ने मेरा लाया कि सर भाई हम कहना के चाहें। देखिए दो बात है जी, एक किसान ने आजकल सब आतंकवादी बता रहे, टेररिस्ट कह रहे, लेकिन हम टेररिस्ट नहीं है, हम किसान हैं। और देखो खालिस्तानी तो बताए रहे, ये तो चाइना पाकिस्तान भी बता रहे, कौन कह देगा चाइना पाकिस्तान का है कोई अड़े बैठा? आपने देखा खूब घूम रहे फिर रहे देख रहे हो, तो ये मैं बताऊंगा खालिस्तानी आतंकवादी चाइना पाकिस्तानी कौन है और किसान कौन है। देखिए किसान शब्द का अर्थ मैं बताना चाहता हूँ, इसमें 4-5 अक्षर हैं, शुरू में आवे के का मतलब है कमेरा वर्ग, जो मजदूर किसान सारा आएगा जी कमेरे वर्ग में। फिर शब्द है आई का मतलब है इंडियन, इस देश का नागरिक। और जी उसके बाद है एस से है सामाजिक सोशल, क्योंकि हम सोशल हैं, सामाजिक और समाज को जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं है। तो जी चौथा शब्द है जी ए से बनता है अन्नदाता, क्योंकि हम पैदा करते हैं, अन्न देते हैं सभी को, तो अन्नदाता हो गया जी। पांचवा अक्षर है जी नायक मतलब सिपाही, नायक सिपाही हो जी, तो सिपाही देखो हम देश की रक्षा कर रहे हैं, ये तो है जी किसान का मतलब। और अब आप मोदी का मतलब देखो, एम से है मर्डर, ओ से है ऑफ,
डी से है डेमोक्रेटी और इन से है आई से है इन इंडिया डेमोक्रेसी मर्डर ऑफ इंडिया। तो ये है आतंकवादी है मोदी जो इसे डेमोक्रेसी तोड़न लग रहे हैं और ये सबके सामने सारे देश ने पता लग गया इसका जितना बढ़िया यू आदमी आतंकवादी तो यू है और ये बता रहे यू अंदातन आतंकवादी आतंकवादी अंदाता करते हुए जाएगा। आतंकवादी भी किसके किसने हथियार देख लिए हैं अंदाता के हाथ में। आने वाले समय में लगता है कि सरकार मानेगी किसानों की बात? देखो सरकार ने तो मानना पड़ेगा, मानने का यू है हम तो बैठ लिए धरने पे, सरकार अपनी जिद पे है लेकिन हम अपने हक पे बैठे, हम जिद पे नहीं बैठे। नई रणनीति बनाने की यहाँ पर कोशिश आज ही रणनीति तो रोज है। देखो आज हमारे सांकेतिक धरना है, आज को भारत बंद किया गया, 12 को टोल प्लाजा, आज ही टोल प्लाजा देखो हमने पूरे कामयाब करे हैं, सारे देश ने देखा टोल हमने बिल्कुल कामयाब करे हैं और आज हर पूरे देश में आज ही पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हर एक पूरे देश में हमारा सांकेतिक धरना है। फिर भी हमने सोचा इस मोदी ने सद्बुद्धि दिया जाए देख ले, देश का पहला ऐसा धरना प्रदर्शन है जो कि शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। देखो जी आप हमारे धरने में कोई गलत आदमी नहीं पाऊगा, कोई बकवासबाजी नहीं पावेगी, सारा सराफत है बिल्कुल, हर आदमी घर से जुम्मेवार आदमी आ रहे हैं, जो अपने घर में मौजूद आदमी का दाम अपने भैया घर न चला रहे सारे मौजूद आदमी हैं। और जी हम हमारे देखो आपने मेले देखे होंगे, बहुत मेले हुए हैं जिनमें पता नहीं गलत कमेंट या हुआ अलग अलग तरह की भाषा यूज करी जा हुआ है, किसी भी लड़की ले लो माता बहन ले लो उसके खिलाफ, लेकिन आप देखो हमारे धरने में ऐसा कुछ नहीं पावेगा क्योंकि हम एक सभ्य समाज थे, समाज ने जोड़न वाले हैं तोड़न वाले नहीं हम समाज ने, तो देख लो जी आप खुद समझदार हो और जी। तो अब ये भी एक किसान बेटे हैं जिनका कहना है, जिन्होंने मोदी और किसान के बारे में भी बताया और उसके साथ साथ ये भी बताया कि मोदी सरकार जिस तरीके से इन किसानों को टेररिस्ट कह रही है, इन किसानों के लिए इतने बैरियर बनाए गए, जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर जिस तरीके के बैरियर्स नजर आते हैं, और इनका ये भी कहना है कि किसान का बेटा ही बॉर्डर पर भी खड़ा है और वो अपने हक की यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, जिस तरीके से जितने भी जो मुख्य सड़कें हैं, जो जितने मुख्य मार्ग हैं दिल्ली के सब किसानों ने इस वक्त घेर लिया है पूरी की पूरी हमारे देश की राजधानी को, और आज जो है राजस्थान मानेसर जो मार्ग है वहाँ से किसानों की एंट्री आज होनी है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनको भी इस तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी, क्या वो भी अंदर आने में कामयाब होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं जिस तरीके से किसान लगातार कुंडली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अब जो है दिल्ली मानेसर जो बॉर्डर है वहाँ पर भी इस तरीके से किसान बैठे रहेंगे, और अब आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति आगे देखने को मिलेगी ये बड़ी बात होगी। इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से, जहाँ पर ये किसान डटे हुए हैं और आज पूरे दिन ये धरना प्रदर्शन चलने वाला है। इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ करनाल के हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से। जय हिंद, जय भारत।